नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कि टैली के अंदर स्टॉक आइटम किस तरह बनाया जाता है और स्टॉक आइटम किस तरह क्रिएट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक आइटम को बनाने के सबसे पहले टैली खोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं टैली खोल रखी है। यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, गेटवे ऑफ टैली के पैनल पे हैं और हम एक कंपनी को सेलेक्ट करेंगे कंपनी इन्फो के अंदर में। थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक कंपनी का नाम बना रखा है, मान लेते हैं वेद नाम की एक कंपनी खोली मैंने। देखिए गेट ऑफ टैली के अंदर हमें मास्टर्स के अंदर जाना है। इसमें जो अकाउंट इन्फो होता है इसके अंदर लेजर्स बनते हैं और इसके नीचे जो इन्वेंट्री इन्फो इसके अंदर क्या बनता है, आपका स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर, और इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हम जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों देखिए सिंगल स्टॉक आइटम में जाएंगे अभी क्रिएट पे। अभी देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक आइटम नहीं बना इसलिए दोनों ऑप्शन डिस्प्ले ऑर्डर नहीं दिख रहा। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्रिएट पे। क्रिएट पे जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले ये पैनल खुलेगा स्टॉक आइटम क्रिएट का। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टॉक आइटम हो गया जिसमें जिसकी हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे हम बाइंग सेलिंग करते हैं बिजनेस में। मान लीजिए मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक का काम है, तो मान लेते हैं MI 5A, ये मोबाइल फोन है मेरे लिए। अंडर में कुछ नहीं आएगा दोस्तों, अंडर में इसकी कैटेगरी आती है और कुछ नहीं। यूनिट्स में हम जाएंगे, यहाँ पर हमें यूनिट्स बनानी होगी। तो यहाँ पर हम क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी। तो यहाँ पर देखिए यूनिट क्रिएशन में टाइप्स में सिंपल आएगा, तो इसे सिंपल ही रहने देंगे, हर जगह सिंपल रहेगा। सिंपल का मतलब क्या हो गया कि किस साइन क्या है। तो फोन हमेशा किस में आते हैं, पीसेज में, और फॉर्मल नेम्स में इसका फुल फॉर्म, जैसे पीसेज की फुल फॉर्म होगी। और नंबर ऑफ डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट, इसमें हमेशा क्या आएगा, जीरो। एंटर करेंगे दोस्तों यहाँ से। इसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी, यहाँ पर यानी कि कितनी आप ड्यूटी पेड कर रहे हैं बाइंग करने के लिए वो है। तो जब आप बाइंग नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो यानी कि आपके पास ओपनिंग है, तो इसे जीरो डालेंगे। और यहाँ पर क्वांटिटी आएगी, जैसे मान लेते हैं हमने 10 क्वांटिटी खरीदी, कितने का, 7,000 की। तो टोटल वैल्यू कितनी बनी, यानी 70,000 हमारा क्या आ गया, स्टॉक। ठीक है ना, स्टॉक आइटम। दोबारा स्टॉक क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं हमने एक और स्टॉक आइटम खरीदा, मान लेते हैं सैमसंग J2। प्राइमरी अंडर में प्राइमरी रहेगा, यूनिट्स में हम इसमें भी प्राइम पीसेस बनाएंगे। तो एक बार अगर आपने कोई लेजर बना लिया, कोई भी आपने यूनिट्स बना लिया, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी 10, हमारे 10 क्वांटिटी खरीदी, ये 8,000 का, यानी 80,000 का टोटल आपका आ गया। अब दोस्तों टेली के अंदर पीछे जाने के लिए स्कैप करते हैं। यहाँ पर जैसे डिस्प्ले में क्या होता है देख सकते हैं हम, यानी क्या क्या हमें बनाया है। देखिए दोस्तों, दो लेजर है हमारे पास, दो स्टॉक आइटम के लेजर हैं जो हमने बनाए, दोनों दिख गए आपको। अल्टर, अल्टर में क्या होता है कि कुछ चेंजमेंट करना हो स्टॉक आइटम में जो भी बनाया हो आपने, उसमें अगर कुछ चेंजमेंट करना हो तो यहाँ यहाँ से होगा। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमें 5 क्वांटिटी खरीदनी थी, तो 5 क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी, यानी 5 क्वांटिटी हमारी हो गई। मान लीजिए सैमसंग में, मान लीजिए सैमसंग में हमें कुछ चेंजमेंट करना है कि क्वांटिटी हमारी क्या है, 5 है, तो कितने का हुआ, 8.40, यानी कि 4,000 का हमारा वैल्यू। तो अल्टर में क्या होगा आपका, चेंजमेंट, और यहीं से आपका क्या होता है, डिलीट। अल्टर में जाएंगे, अल्टर से क्या होगा, चेंजमेंट भी होगा डिलीट भी होगा। मान लेते हैं एमआई का जो हमने बनाया वो हमें चाहिए नहीं है, फिर गलत हो गया, तो ऑल्ट प्लस डी, जैसे डिलीट करना चाहते हैं यस, और यहीं से क्या होगा, ये आउट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने सीखा कि स्टॉक आइटम किस तरह क्रिएट करते हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर आकर के, और इसे क्रिएट करने के साथ डिस्प्ले किस तरह करेंगे, देखेंगे किस तरह, और अल्टर में डिलीट और कैसे क्या। और मल्टीपल में क्या होता है कि कई सारे इकट्ठे बनाए जाते हैं, ये इसकी वीडियो में आगे वाले पैनल बनाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बनाया, और जैसे हमने कोई स्टॉक आइटम, उसकी रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे, हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, और यहाँ जाएंगे स्टॉक समरी। देखिए दोस्तों, सैमसंग की हमने अभी एडिटिंग की थी, तो कितना था, 5 पीसेस, यानी 8,000 के प्राइस, तो 40,000 हमारे ये है स्टॉक। यानी हमने तो एमआई का डिलीट कर दिया, तो सैमसंग का बचा, तो ये हमारे पास रिपोर्ट, यानी स्टॉक को हम अगर क्रिएट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी हम स्टॉक समरी में देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक बताना चाहूँगा दोस्तों कि स्टॉक, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।